हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का एमसीक्यूज नंबर 3। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 20 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो DTSSB, TGT, नेचुरल साइंस, KVS, NVS, साइंस, TGT और सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये प्यारा सा एमसीक्यूज का वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। बेसिकली ये जो आपका वीडियो का जो लैंग्वेज होगा आपका बाइलिंगुअल होगा। जो भी क्वेश्चंस स्क्रीन पे नजर आएंगे वो इंग्लिश में नजर आएंगे, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एमबीजे क्लासेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनोर ऑफ मैंगनीज मेटल इज, मैंगनीज मेटल का जो ओर जो है इसमें से कौन है, बॉक्साइट, हेमेटाइट, क्यूपराइट या फिर पायरोल्यूसाइट। तो मैंगनीज मेटल का जो ओर है आपका पायरोल्यूसाइट होता है। क्यूपराइट किसका ओर होता है, ये आपका कॉपर का ओर होता है। हेमेटाइट जो ओर है आपका आयरन का ओर है और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम मेटल का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, इसमें से कौन सा जो है आपका आयरन ओर है, सिनाबार, कैलामाइन, हेमेटाइट या फिर रॉक साल्ट। तो आयरन ओर इसमें से कौन सा आपका हेमेटाइट है। और हेमेटाइट का बेसिकली ये तो आपका ओर हुआ, इसमें से कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, Fe2O3। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या फिर बोल सकते हैं आयरन थर्ड जो होता है इसमें पाया जाता है हेमेटाइट में। रॉक साल्ट में आपका जो है ये किसका ओर होता है, रॉक साल्ट ये सोडियम का ओर होता है और इसमें बेसिकली सोडियम जो होता है किसके फॉर्म में पाया जाता है, NaCl के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है सीनाबार, सीनाबार किसका ओर होता है, ये आपका मरकरी का ओर होता है, मरकरी का। और बेसिकली सीनाबार जो होता है, सीनाबार तो ओर हुआ, इसमें कौन सा आपका जो कंपाउंड पाया जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है और इसी से हमें जो है मरकरी ऑप्टेन होता है, Hg ऑप्टेन होता है। कैलामाइन किसका ओर होता है, कैलामाइन जो आपका जिंक का ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर, इसमें से कौन सा मेटल जो है बॉक्साइट ओर से ऑप्टेन किया जाता है, सोडियम, मैंगनीज, एल्युमिनियम या फिर मरकरी। तो बॉक्साइट ओर से हमें कौन सा मेटल ऑप्टेन होता है, एल्युमिनियम ऑप्टेन होता है। सोडियम किससे ऑप्टेन होगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रॉक सॉल्ट बेसिकली इसका ओर होता है, रॉक सॉल्ट जिसका आप कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होता है NaCl, इसी NaCl से आपको जो सोडियम ऑप्टेन होता है। मैंगनीज पायरोल्यूसाइट से ऑप्टेन होता है और ये आपका मरकरी सिनाबार से ऑप्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय द हीटिंग देयर सल्फाइड्स इन एयर, इसमें से कौन सा दो मेटल जो है जिसको हम ऑप्टेन करते हैं इसके सल्फाइड्स को एयर में हीट करके। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम एंड कॉपर, सेकंड ऑप्शन है कॉपर एंड एल्युमिनियम, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम एंड जिंक एंड डी ऑप्शन है आपका लास्ट मरकरी एंड कॉपर। तो सल्फाइड्स इनके जो ओर जो होते हैं इसको हम ऑप्टेन करते हैं मरकरी एंड कॉपर के केस में। मरकरी एंड कॉपर के केस में हम इसके सल्फाइड्स ओर को एयर में हीट करके जो ऑप्टेन करते हैं। मरकरी का जो सल्फाइड ओर होता है आपका HgS होता है जिसे हम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड या फिर इसे आप मरकरी सेकेंड भी कह सकते हैं, मरकरी सेकेंड कह सकते हैं, मरकरी सेकेंड सल्फाइड। और कॉपर आपका जो इसका सल्फाइड ओर क्या होता है, Cu2S होता है, Cu2S जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉपर ग्लांस कहते हैं, कॉपर ग्लांस होता है आपका Cu2S, इसे हम कह सकते हैं कॉपर फर्स्ट सल्फाइड कह सकते हैं। और कॉपर फर्स्ट सल्फाइड को हम क्यूप्रस सल्फाइड भी कहते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें से कौन सा कॉमन मेटल है जो हाईली रेजिस्टेंट है किसके प्रति, कोरोजन के प्रति, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम। तो एल्युमिनियम मेटल जो होता है कोरोजन के प्रति हाईली रेजिस्टेंट होता है। एल्युमिनियम का बेसिकली सिंबल Al होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। और कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली सिंबल इसका Cu होता है और एटॉमिक नंबर इसका 29 होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है और इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। एंड मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ जिंक मेटल इज, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट ओर है किसका, जिंक मेटल का। फर्स्ट ऑप्शन है कैलामाइन, सेकंड ऑप्शन है क्यूपराइट, सी ऑप्शन है पायरोल्यूसाइट, ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट। तो जिंक मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ओर कौन सा है आपका,
कैलामाइन, कैलामाइन और होता है जिंक का जो है कार्बोनेट और होता है, कार्बोनेट और होता है। और बेसिकली इसमें जो आपका जिंक किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका कंपाउंड क्या होता है, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है और इसी से हमें क्या होता है कि जिंक ऑप्टेन होता है। जिंक का एक और इंपॉर्टेंट और है सल्फाइड और, सल्फाइड और इसे हम किस नाम से जानते हैं, जिंक ब्लेंडे कहते हैं, जिंक ब्लेंडे, जिंक ब्लेंडे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड एन एस होता है। और जिंक कार्बोनेट से बेसिकली हमें जो है कार्बोनेट ओर को हम किस प्रोसेस के थ्रू हम इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू, सॉरी कैल्सिनेशन प्रोसेस, कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसके जो कार्बोनेट ओर है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। कोई भी सल्फाइड ओर है, किसी भी सल्फाइड ओर को जो हम क्या करते हैं उसको ऑक्साइड में, उसके मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, रोस्टिंग की प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट्स आर, इसमें से कौन सा दो मेटल जो है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं उसके मोल्टेन सॉल्ट को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ऑप्शन नंबर बी आयरन एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक एंड मैग्नीशियम, एंड ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें से मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं इसके मोल्टेन सॉल्ट से, मोल्टेन सॉल्ट्स का बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके जो है इसको ऑब्टेन करते हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो द स्टेनलेस स्टील एलॉय, आपका स्टेनलेस स्टील एलॉय है इसमें आयरन मेटल को किसके साथ मिक्स किया जाता है, कॉपर एंड क्रोमियम के साथ, या फिर क्रोमियम एंड निकल के साथ, या फिर क्रोमियम एंड टीन के साथ, या फिर कॉपर एंड निकल के साथ। तो ये जो आपका आयरन का जोर होता है स्टेनलेस स्टील, इसमें हम आयरन को मिक्स करते हैं क्रोमियम एंड निकल के साथ, इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये जो आपका क्रोमियम एंड कॉपर जो होता है, क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर ये किसमें पाया जाता है, ये किसी कोई इंपॉर्टेंट आपका जो है एलॉय नहीं बना रहा होता है, लेकिन ये आपका जो कॉपर एंड निकल, कॉपर एंड निकल ये भी कोई एलॉय नहीं बनाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये आपका जो कॉपर एंड जिंक जो होता है, कॉपर एंड जिंक मिलकर के जो है ब्रास बनाता है, ब्रास बनाता है। और अब ये आप याद रख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट एलॉयड सोल्डर, सोल्डर में आपका जो दो मेटल पाया जाता है कॉपर के साथ जो है कौन सा मेटल, सॉरी इसके साथ जो आपका लेड एंड टीन होता है, लेड एंड टीन होता है सोल्डर एलॉय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉपर इज केप्ट एक्सपोज्ड टू द डैम्प एयर इफ फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स अ ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, कोई भी कॉपर का ऑब्जेक्ट उसको हम डैम्प एयर में छोड़ देते हैं तो बेसिकली उस पर ग्रीन कोटिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये क्या होता है बेसिकली, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एंड ऑप्शन सी बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन डी कॉपर नाइट्रेट। तो ये जो आपका ग्रीन कोटिंग जो देखने को मिलता है कॉपर के प्रति, वो आपका क्या होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। बेसिक कॉपर कार्बन किसका मिक्सर होता है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, इसका ये मिक्सर देखने को मिलता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स मर्करी एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें से कौन सा एलॉयज होता है मर्करी, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील में, या फिर सोल्डर में, या फिर जो ड्यूरालुमीन में, या फिर जो जिंक अमलगम में। मर्करी के रिस्पेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मर्करी किसी भी मेटल के साथ मिक्स करके जो है क्या फॉर्मेशन करता है, अमलगम बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है जिंक अमलगम। बेसिकली आपका मर्करी इस केस में जो किसके साथ मिक्स हुआ है, जिंक के साथ मिक्स हुआ है, और क्या फॉर्मेशन कर रहा है, जिंक अमलगम बना रहा है। स्टेनलेस स्टील में आपका जो है कौन कौन से मेटल मिक्स होते हैं, आयरन की मिक्सिंग होती किसके साथ, क्रोमियम एंड निकल के साथ। सोल्डर में आपका जो है टीन एंड लेड, टीन एंड लेड मिक्स होता है, टीन एंड लेड। एंड ड्यूरालुमीन बेसिकली इंपॉर्टेंट एलॉय है एल्युमिनियम का, जिसमें एल्युमिनियम किसके साथ मिक्स होता है, कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। और एल्युमिनियम का एक और इंपॉर्टेंट आप एलॉय याद रख सकते हैं मैग्नेलियम, मैग्नेलियम में बेसिकली मैग्नीशियम किसके साथ मिक्स होता है, एल्युमिनियम के साथ मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन ओर कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, दिस मेटल इज, कैलामाइन ओर से जो है इसमें से कौन सा मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकेंड ऑप्शन है मरकरी, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, या फिर जिंक। तो कैलामाइन ओर किसका ओर है आपका, जिंक का ओर है, तो उससे हमें कौन सा मेटल ऑप्टेन होगा, जिंक ऑप्टेन होगा। और ये कैलामाइन और जिंक का क्या है, कार्बोनेट ओर होता है,
कार्बोनेटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। इसमें से कौन सा मेटल का पेयर जो है आपके फ्री फॉर्म में आप कह सकते हैं नेटिव स्टेट नेचर में पाया जाता है। Ag एंड Hg, Ag मीन्स व्हाट? Ag मीन्स आपका जो है अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम। अर्जेंटम किसका लैटिन नेम होता है? सिल्वर का लैटिन नेम होता है। और Hg बेसिकली जो है किसके लिए यूज किया जाता है? मरकरी के लिए यूज किया जाता है, मरकरी के लिए। और इसका लैटिन नेम क्या होता है? हाइड्रागायरम होता है, हाइड्रागायरम होता है, हाइड्रागायरम होता है। सेकेंड ऑप्शन है Ag एंड जिंक, एंड ऑप्शन नंबर सी Au एंड Hg। Au जो किसके लिए यूज किया जाता है? गोल्ड के लिए यूज किया जाता है। और इसका लैटिन नेम क्या होता है? एरम होता है, AuRuM। और इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। ऑप्शन नंबर डी Au एंड Hg। तो ये जो आपका गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है आपके नेटिव स्टेट में ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट ऑफ द थर्माइट रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग द ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स। इसमें से कौन सा जो आपका रिएक्टेंट्स यूज किया जाता है थर्माइट रिएक्शन में, और किसमें? बेसिकली थर्माइट रिएक्शंस के थ्रू जो है आपका ये ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स जो होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको उसकी वेल्डिंग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है L2O3 प्लस Fe। L2O3 क्या आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हुआ, MnO2 आपका जो मैंगनीज का ऑक्साइड हुआ, एल्यूमिनियम के साथ ये दोनों रिएक्टेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। या फिर जो है आपका जो है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। Fe2O3 क्या आपका आयरन थर्ड होता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड को। और ये किसके साथ मिक्स हुआ? एल्यूमिनियम के साथ। या फिर जो आपका Cu2O, ये आपका जो है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड होता है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड किसके साथ मिक्स हुआ है? Fe के साथ। तो इसका बेसिकली सही आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा रिएक्टेंट यूज होता है थर्माइट रिएक्शन में? ऑप्शन नंबर सी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड आयरन थर्ड, किसकी साथ मिक्स होता है? आयरन थर्ड ऑक्साइड जो है मिक्स होता है आपका एल्यूमिनियम के साथ थर्माइट रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स अ नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें से कौन सा जो आपका एलॉयज जो है जिसमें नॉन मेटल भी क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रास एलॉय के केस में, या फिर अमलगम के केस में, या फिर स्टील के केस में, या फिर ब्रॉन्ज के केस में। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपका जो नॉन मेटल जो होता है कार्बन, किसके साथ मिक्स किया जाता है? स्टील एलॉय में। और आयरन जब किसके साथ मिक्स होता है? कार्बन के साथ मिक्स होता है, तो हमें जो स्टील देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे फोकस करते हैं आप ब्रास में। ब्रास में कौन से दो इंपॉर्टेंट आपके जो है मेटल पाए जाते हैं? ये आपका कॉपर एंड जिंक होता है, किसमें? ब्रास में। ब्रॉन्ज में आपका जो है कॉपर एंड टिन होता है, कॉपर एंड टिन। अमलगम में बेसिकली आपका कोई मरकरी मेटल है, किसी भी मेटल के साथ मिक्स होकर के अमलगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, जब हम इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द प्योर मेटल इज ऑफ डिपोजिटेड। ये जो प्योर मेटल जो होता है कहाँ पे डिपोजिटेड होता है? कैथोड पे, या फिर ऑन द वॉल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक टैंक पे, या फिर एनोड पे, या फिर एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक टैंक पे। तो जब हम मेटल की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हमें जो प्योर जो मेटल जो होता है वो कहाँ डिपोजिट देखने को मिल रहा होता है? एट द कैथोड, कैथोड पे डिपोजिट होता है। बेसिकली एनोड पे आपका तो इम्प्योर मेटल होता है, और ये क्या होता है कि यहां से जो है डिसॉल्व होकर के जो है सॉल्यूशंस के थ्रू ये बेसिकली कैथोड पे डिपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेमेटाइट ओर। इसमें से कौन सा आपका जो मेटल है वो हेमेटाइट ओर से ऑब्टेन होता है? कॉपर, सोडियम, जिंक, या फिर आयरन। तो हेमेटाइट ओर किसका ओर है? आपका आयरन का ओर है। और जिंक का ओर क्या होता है? आपके दो ओर याद रखने, फर्स्ट है आपका कैलामाइन एंड अब जिंक ब्लेंड है, कैलामाइन जिंक ब्लेंड है, जिंक के दो इंपॉर्टेंट ओर है। सोडियम आपको पता ही है कि आपको ऑब्टेन होता है NaCl रॉक सॉल्ट से, और ये कॉपर का आपका जो क्यूपराइट ओर से हमें कॉपर ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास इन दो मेटल का एलॉय होता है, कॉपर एंड टीन का, या फिर कॉपर एंड लेड का, या फिर लेड एंड टीन का, या फिर जो है कॉपर एंड जिंक का। तो ये आपका ब्रॉस जो होता है कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है।
ये आपका पीबी एंडेसन क्या होगा, पीबी एंडेसन लेड और टिन मिलकर के जो आपका सोल्डर बनाता है, ये सोल्डर एलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड बाय द रिडक्शन प्रोसेस बाय यू मेकिंग यूज ऑफ। बेसिकली मैंगनीज मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम बेसिकली रिडक्शन करते हैं, किसका यूज करते हैं इसके रिडक्शन के प्रोसेस में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बन, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, या फिर जो एल्यूमिनियम। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड के रिडक्शन में हम याद रखिए आपका जो एल्यूमिनियम पाउडर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड सिंपली बाय हीटिंग द सिनाबार ओर। ये जो आपका सिनाबार ओर को जब हम हीटिंग करते हैं तो हमें कौन सा मेटल ऑब्टेन होता है, जिंक, कॉपर, या फिर एल्युमिनियम, या फिर एससी। तो सिनाबार ओर को हम हीट करने के बाद से हमें जो है मरकरी मेटल ऑब्टेन होता है, और सिनाबार ओर में कौन सा कंपाउंड होता है आपका, एच जी एस, जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। इसमें से कौन से आपकी मेटल्स को जो है मोल्टेन क्लोराइड्स के बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है उसके मोल्टेन क्लोराइड से, और उसके थ्रू जो है आपका मेटल क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम एंड मरकरी, सोडियम एंड मरकरी, या फिर जो मरकरी एंड मैग्नीशियम, या फिर जो सोडियम एंड मैग्नीशियम, या फिर जो है कॉपर एंड फेरस। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो आपका सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके मोल्टेन क्लोराइड को, इसके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। बेसिकली सोडियम हमें ऑब्टेन होता है इसका मोल्टेन क्लोराइड आपका NaCl होता है, और मैग्नीशियम का जो मोल्टेन क्लोराइड होता है आपका MgCl2 होता है, MgCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक सॉल्ट इज एन ओर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो रॉक सॉल्ट किसका ओर होगा, मैंगनीज का, या फिर सोडियम का, या फिर फेरस का, या फिर कॉपर का। तो रॉक सॉल्ट जो होता है आपका ओर जो होता है आपका सोडियम का होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल मेड ऑफ सिल्वर मेटल बिकम्स डार्क ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ इट्स। जब हम आर्टिकल जो सिल्वर से बना हुआ कोई आर्टिकल है जिसको हम बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं कि एयर में खुला छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर जो एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, वो लेयर किसका होता है, ऑक्साइड्स का होता है, या फिर हाइड्राइड का होता है, या फिर सल्फाइड का होता है, या फिर कार्बोनेट का होता है। तो याद रखिए आपका जो लेयर जो होता है सिल्वर में जो देखने को मिलता है वो सल्फाइड का आपका जो है वो लेयर होता है, Ag2S बना रहा होता है। बेसिकली आपके जो सिल्वर का कोई आर्टिकल है वो ऑक्सीजन में, नॉट ऑक्सीजन, आप ये कह सकते हैं कि आपके एयर में जो है H2S गैस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी के साथ ये रिएक्ट करके जो है Ag2S सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, और जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। ये जो सल्फाइड ओर जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू, कार्बोनेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, या फिर एनोडाइजिंग। तो सल्फाइड ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं कार्बोनेट ओर के लिए, कार्बोनेट ओर को बेसिकली हम किसमें यूज करते हैं, मेटल के ऑक्साइड में, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। एनोडाइजिंग की प्रोसेस क्या होता है, एनोडाइजिंग की प्रोसेस एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट पे जो है इसके ऑक्साइड का लेयर का फॉर्मेशन करना, इट मीन्स आप कह सकते हैं एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट पे जो Al2O3 की एक मोटी परत जो है हम चढ़ाते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, एनोडाइजिंग प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक ब्लेंडे ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। जिंक ब्लेंडर जो एक ओर है किसका, जिंक का, और ये बेसिकली जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू, रोस्टिंग, या फिर जो है हाइड्रोजिनेशन, या फिर क्लोरिनेशन, या फिर कैल्सिनेशन। तो जिंक ब्लेंडर जो होता है आपका जिंक का जो है सल्फाइड ओर होता है, और सल्फाइड ओर के लिए क्या प्रोसेस यूज करेंगे, रोस्टिंग यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाइरोल्यूसाइट ओर। इसमें से कौन सा मेटल जो है पाइरोल्यूसाइट ओर से हमें ऑब्टेन होता है, मरकरी, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, या फिर मैग्नीशियम। तो ये आपका जो पाइरोल्यूसाइट ओर जो होता है वो किसका होता है, मैंगनीज का होता है, मैंगनीज का होता है। इसी के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का MCQs पार्ट 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जो भी क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें, थैंक यू वेरी मच।